वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे एम फार्मा के कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आप काउंसलिंग में वहाँ पे डालेंगे, ताकि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट्स मिल जाएँ। और ये जो रैंकिंग है दोस्तों, ये वेरियस सीनोरियोज को इकट्ठा करके यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो हम यहाँ पर टॉप 75 आपको कॉलेज बता रहे हैं। तो इसमें दोस्तों इन कॉलेजेस में बी फार्मा और एम फार्मा सारे ही हैं। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये अपनी तरफ से हमने नहीं बनाई है, बल्कि ये रैंकिंग जो फार्मेसी कॉलेज के लिए है ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे केवल प्लेसमेंट को मान के नहीं चीज़ें की गई हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ। यहाँ पे 5 थिंग्स हैं जिनको इकट्ठा करके आपकी रैंकिंग्स यहाँ पर गणना की गई है। तो दोस्तों टॉप पर जो है वो है जामिया हमदर्द, ये आपका न्यू दिल्ली पे है। और इसका जो स्कोर है सब कुछ मिला के जो स्कोर बना है वो 78.43 है और रैंक 1 है। तो केवल इसको इस चीज़ के लिए मत मानिएगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये जो टॉप के कॉलेज हैं इनमें प्लेसमेंट आपको अच्छा है ही है, ठीक है। फिर दोस्तों सेकेंड पे है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, थर्ड में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मींस नाइपर, जो कि पंजाब में है। तो नाइपर आपको पता है कि काफ़ी हैं और अभी इसका एग्जामिनेशन होगा, जो बच्चे जीपैट क्वालिफाई करेंगे वही इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो जो मोहाली का नाइपर है वो बेस्ट है और इसकी जो रैंकिंग रखी गई है ये थर्ड नंबर पर है। फिर इसी तरह दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, ये आपका मुंबई में है। फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे हम बिट्स के नाम से भी जानते हैं, ये राजस्थान में है। फिर आपका नाइपर हैदराबाद 6 नंबर पे है। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये 7 नंबर पे है और ये कर्नाटका स्टेट में है। फिर आता है आपका JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि तमिलनाडु में है। फिर नाइपर गांधीनगर, तो नाइपर गांधीनगर का भी काफ़ी डिमांड है। तो ये सब जब आप नाइपर अगर भर रहे हो तो ये भी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि उसमें भी आपको फिर काउंसलिंग के समय ये प्रेफरेंस वहाँ पे देना होता है कि कौन सा आप पहले भर रहे हो, तो ये नाइपर में भी हेल्प करेगा। फिलहाल दोस्तों जब आप काउंसलिंग में जाओगे, जीपैट का भी रिजल्ट आने ही वाला है आपका, 3-4 दिन में आ जाएगा, तो इसके बाद ये रैंकिंग देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। फिर JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, जो कि 10th रैंक पर है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची का जो है ये 11th नंबर पे है। अनामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, ये 12th रैंक पे है। SVKMS नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जो कि आपके मुंबई में है, इसका 13th रैंक है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु 14th रैंक पे है। अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी, ये आपका कोच्चि केरला 15th रैंक पे है। फिर आपका पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी महाराष्ट्र में है और इसकी जो रैंक है ये है 16th। फिर दोस्तों आपका आता है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ये गुजरात में है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब, बरस्थली विद्यापीठ राजस्थान में 19th रैंक। फिर श्री रामचंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये चेन्नई मीन्स तमिलनाडु। ये है आपके टॉप 20 कॉलेज। फिर दोस्तों आपका आता है निर्मा यूनिवर्सिटी, इसकी भी काफ़ी डिमांड है, यहाँ पर भी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, ये आपका 21st पे है। केली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुंबई। फिर आता है आपका दोस्तों अमिटी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च DIPSAR न्यू दिल्ली, ये आपका 26th रैंक पे है यहाँ पे। फिर दोस्तों लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फागवरा पंजाब में है 27 नंबर पे। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 28 पे है। राष्ट्रसांत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, जो कि नागपुर में है, ये 29th रैंक है इसकी। SVKMS डॉक्टर भानुबेन नवनती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये 30th रैंक पे है। LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी 31st पे है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये आपका 32 रैंक पे है। फिर आपका आता है NGSM इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये 33rd में है। EU कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज विशाखापट्टनम, ये 34th रैंक में है। फिर आता है दोस्तों आपका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आता है हिसार, जो कि हरियाणा में है, इसकी जो रैंक है ये है 35th रैंक। फिर YB चवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद में है, 36th रैंक है इसकी। PHG कॉलेज ऑफ फार्मेसी 37th रैंक है। गुरु घासीदास विद्यालय, ये 37th इसकी, यहाँ पे 38th रैंक है। फिर इसके बाद दोस्तों
शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज से 39th रैंक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस पर कन्फ्यूज़ मत करना कि 237th है, एक्चुअली क्या है कि इन दोनों को ही उतने मार्क्स मिले हैं, 44.38 44.38, तो इनको एक ही पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। फिर दोस्तों इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का जो है ये 40th रैंक में है, तो ये आपके टॉप 40 कॉलेज हो गए। और दोस्तों जैसे जो जिस लोकेशन में है, कहने बोला दोस्तों जब काउंसलिंग होगी तो आपको वेरियस फॉर्म्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भरने होंगे, तो हो सकता है किसी में आपका रैंक के अकॉर्डिंग नाम आए, हो सकता है नहीं भी आया। तो जिन कैंडिडेट्स का नहीं आएगा फिर वो अपने स्टेट लेवल में अच्छे कॉलेज ढूंढेंगे। तो ये जो रैंकिंग है इसमें से आप जिस स्टेट में भी रहते हैं आप उसमें भी देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज टॉप में है, तो आप उसको पहले वहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बराबर मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे इसी चीज़ के लिए कि अब जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो भी उनको बता दिया जाए ताकि काउंसलिंग के समय उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों महर्षि मार्केंद्रेश्वर ये अम्बाला हरियाणा, इसकी 41st रैंक है। फिर आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये शिरपुर में है, 42nd रैंक। फिर गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी पानाजी में 43rd रैंक। चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा में 44। फिर डॉक्टर डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च जो कि है पुणे में, ठीक है, 45th रैंक। फिर श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय ये है तिरुपति में, इसकी है 46th रैंक। फिर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मद्रास मेडिकल कॉलेज ये है चेन्नई में और इसकी है 47th रैंक। इस तरह दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है एट रायपुर, इसकी है 48th रैंक। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये है नावी मुंबई में और इसकी 49th रैंक। फिर आता है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जो कि है गुंटूर आंध्र प्रदेश में और इसकी है 50th रैंक। तो ये हो गए दोस्तों आपके टॉप 50 कॉलेज, इनमें से अगर कोई कॉलेज आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, इसमें आपका कैरियर अच्छा बनेगा। फिर चलापति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये भी सिचुएटेड है गुंटूर आंध्र प्रदेश में और इसकी रैंक है 51st। फिर है VELS इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस स्टडीज़ ये है चेन्नई में, इसकी है 52nd। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। फिर है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये कोल्हापुर का। तो आपने देखा दोस्तों भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी नावी मुंबई का 49th रैंक में है और जो आपका कोल्हापुर में है ये है 54 रैंक। तो दोस्तों इन सब को आप ध्यान से करिएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो कहीं का तो उसकी रैंकिंग देखना बहुत ज़रूरी है। रैंकिंग का सिनेरियो ये होता है दोस्तों कि वहाँ का इवन जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट हैं तो उनका भी यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है, क्योंकि मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कि ये जो रैंकिंग की गई है गवर्नमेंट की तरफ से ये किस बेसिस पे है। तो इसमें 4 से 5 चीज़ें हैं जिसमें एक फिनोमेना उन्होंने ये भी रखा है कि पीयर करके वहाँ पर उसको टर्म दिया है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स का मींस वहाँ पे क्या राय है कॉलेज के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग भी है। तो वहाँ पे जो आपको फ्रेंडली माहौल मिलेगा तो वो चीज़ भी इसमें प्रोवाइड है, तो ये रैंकिंग बहुत ही ज़रूरी है। फिर दोस्तों आपका आता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है, 55th रैंक। फिर आता है सैम हैंगिस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और इसकी है 56th रैंक, इसको हम लोग शेयर्स नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि सिचुएटेड है चित्तूर आंध्र प्रदेश में, इसकी है 57th रैंक। फिर आता है श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज कोयम्बटूर तमिलनाडु, इसकी है 58th रैंक। फिर आता है श्रीमती किशोरी लाल भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये है कैम्पटी महाराष्ट्र में और इसकी है 59th रैंक। फिर आता है माइर्स MAEERS महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि सिचुएटेड है पूना महाराष्ट्र में और इसकी है 60th रैंक। फिर आता है प्रिंसिपल KM कुंदानई कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई और इसकी है 61st रैंक। फिर आता है अमर शहीद बाबा अजीत सिंह झुज्जर सिंह मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इस ये जो कि सिचुएटेड है रूपनगर पंजाब में और इसकी है 62nd रैंक। फिर आता है आपका राघवेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि सिचुएटेड है अनंतपुर में और इसकी रैंक है 63rd। फिर दोस्तों आपका आता है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता वेस्ट बंगाल, 64th रैंक। सुल्तान यूल युलुम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हैदराबाद और इसकी है 65th रैंक।
फिर आता है दोस्तों बी के मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, इस ये राजकोट गुजरात में है और इसकी है 66th रैंक। फिर आता है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी है 67th रैंक। NSHM नॉलेज कैंपस कोलकाता में है, इस वेस्ट बंगाल में, और इसकी है 68th रैंक। पद्मश्री डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी पूना, इसकी है 69 रैंक। फिर दोस्तों MVP समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि नासिक में सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, इसकी है 70th रैंक। आचार्य एंड BM रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु में है कर्नाटका, 71st रैंक। गिरजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस गुवाहाटी असम में है, इसकी है 72 रैंक। AL शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोझिकोड मीन्स के केरला में है ये, इसकी है 73rd रैंक। फिर दोस्तों आपका आता है PE सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी है 74th रैंक। और इसके बाद अल अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु में है सिचुएटेड कर्नाटका और इसकी है 75th रैंक। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 1 से लेके 75 रैंक तक के सारे ही कॉलेज जिसमें आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, अच्छा गाइडेंस मिलता है, और आप जितने ही अच्छे कॉलेज में जिसकी रैंक अच्छी है उसको आप लेते हो दोस्तों, तो आपको प्लेसमेंट के साथ साथ वहाँ जो डेवलपमेंट होता है वो भी अच्छा होता है। कैरियर प्रोस्पेक्टस मीन्स कैरियर के लिए गाइडलाइंस वगैरह अच्छे प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि वहाँ जो फैकल्टी मेम्बर्स होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होता है। तो हमें अगर कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि रैंकिंग जो चल रही है गवर्नमेंट की उसके आधार पर लेना चाहिए, क्योंकि नाइपर सबको ये पता है कि नाइपर कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन नाइपर कितने हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। तो दोस्तों नाइपर में कोई चीज़ अच्छी है, किसी नाइपर में कोई चीज़ अच्छी है, तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि केवल नाइपर कॉलेज ही अच्छे हैं। अगर आप उठा के देखोगे तो प्लेसमेंट नाइपर के साथ साथ बहुत से कॉलेज का अच्छा है, जैसे डिप्सार का भी जो है वो भी आपने नाम काफ़ी सुना है, इस तरह BHU का भी नाम काफ़ी सुना है, तो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं। तो ये रैंकिंग आपको बिल्कुल हेल्प करने वाली है। तो काउंसलिंग के पहले दोस्तों अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो आपका OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फिर आपका आधार कार्ड वगैरह है ओरिजिनल, फिर एडमिट कार्ड जो अभी आप डाउनलोड करोगे, अपना GPAT स्कॉलरशिप वगैरह का जो मतलब कि GPAT स्कोर कार्ड जो है वो चीज़, साथ ही साथ दोस्तों आपका एडमिट कार्ड वगैरह, तो सारी चीज़ें अभी से रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय बिल्कुल अफरा तफरी एक तरह से माहौल रहता है, फिर इस समय आप कोई भी चीज़ भूल जाते हो, काउंसलिंग पे जाते हो तो वहाँ पे बिल्कुल फिर कोई रेग्रेट करने की चीज़ बन जाती है, तो वो चीज़ ना करना पड़े, ऐसा ना हो। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि पहले से आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल आएगा, आपने जो आंसर कीज़ हैं उसको चैलेंजिंग मोड में डाल दिया होगा अब तक, जो आपको वहाँ पे आंसर लगते हैं कि इन्हें चैलेंज करना चाहिए, लेकिन अब आपका काम शुरू हो जाता है कि काउंसलिंग के पहले सारे डॉक्यूमेंट रख लें, वेट ना करें लास्ट दिन का कि आप सोच रहे हो कि जब रिज़ल्ट निकलेगा तब करेंगे, क्योंकि जो OBC सर्टिफिकेट है या फिर या SC या ST या आपका जो PWD सर्टिफिकेट वगैरह है तो इन्हें बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा ना हो कि आपके सर्टिफिकेट ना बन पाएँ जो एक करेक्ट फॉर्मेट है, फिर आपको वहाँ पर रिक्रूट करना पड़े। तो दोस्तों सारी चीज़ें आप तैयार करके रख लीजिए और इन रैंकिंग के आधार पे अपना वहाँ पे जो डाटा है वो फिल करिएगा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।